नमस्कार दोस्तों, देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को पूरा होने पर ग्रीन जोन के तौर पर चिन्हित इलाकों को कुछ बड़ी शर्तों के साथ छूट दिए जाने की गवायत चालू हो गई। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बुरी तरह से प्रभावित रेड जोन इलाकों को फिलहाल राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन दिल्ली, मुंबई, नोएडा, इंदौर समेत कुछ अन्य हॉटस्पॉट शहरों के लिए मंत्री समूह GOM अलग से बोर्ड बैग तैयार कर रहा है, जिन शहरों में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की छूट दी जाए इस पर मंथन जारी है। हॉटस्पॉट वाले इलाके पहले की तरह ही सील रखे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ग्रीन जोन में 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाने पर विचार कर रही है। कोरोना से निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले GOM में ऐसा करने के लिए सैद्धांतिक सहमति बन गई है। ग्रीन जोन की श्रेणी में उन इलाकों को रखा गया है जो संक्रमण मुक्त है या आंशिक तौर पर इसका असर है। ऐसे इलाकों में लॉकडाउन तो हटा दिया जाएगा, लेकिन स्थानीय निवासियों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के समेत अन्य कई शर्तों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर इलाके में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि रेल, हवाई व अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर रोक लॉकडाउन के बाद भी जारी रहेगी। हालांकि बुधवार को GOM स्थिति की विस्तृत समीक्षा करेगा। जारी रहेगी ये पाबंदियां। घर से बाहर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग होगा अनिवार्य। शादी समारोह, धार्मिक आयोजन, जनसभा पर होगी पाबंदी। सीमित कर्मचारियों के साथ खोल सकेंगे कार्यालय। सीमित संख्या में ही सड़क पर निकलेंगे निजी वाहन और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण पाबंदियां रहेगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।